तो व बरकातहू कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो गायज बस यहाँ से अभी निकल रहे हैं और अभी है सुबह का टाइम गुड मॉर्निंग गाइज तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ से मैं निकल रही हूँ गुना के लिए और गुना में क्यों जा रही हूँ वहीं जाकर आपको बताएंगे फिलहाल अभी चलते हैं तो चलिए तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं और सारा जो लगेज है वो हमने रख लिया है हमारा और काफ़ी सारा सामान हो गया है गाइज़ और होता ही है कि कहीं जाते हैं तो सामान हमें सर्दियों के टाइम में हमारा बढ़ ही जाता है और बहुत कुछ हो जाता है रखने के लिए क्योंकि सर्दियों का टाइम है गाइज़ तो गर्म कपड़े भी रखने होते हैं तो बस वही मैंने रख लिए हैं तो यहाँ से अभी मैं निकल रही हूँ और अभी है पौने पाँच का टाइम हो रहा है गाइज़ तो बस अभी हमें यहाँ से जल्दी से पहुँचना है ग्वालियर और तो गाइज़ आ चुके हैं हम लोग ग्वालियर स्टेशन पर और यहाँ पर हबी जी हम लोगों को छोड़ने आए हैं हबी जी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ वो बाद में आएंगे अभी हम लोग जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं हम लोग वो तो मैं आपको आगे जाने के बाद ही बताऊंगी अभी फ़िलहाल आप लोग इंतज़ार करिए मेरे बताने का और वीडियो को वॉच कीजिए तो चलिए अभी यहाँ से उतरते हैं और पहुँचते हैं तो यहाँ पर बैठ चुके हैं हम लोग मैं और रेहान और फ़रहान बैठा है पासी में तो गाइज़ ये देखिए ये है हमारा पूरा डब्बा तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है गायस बहुत ज़्यादा सुकून है और आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे और आगे से मुझे लेना है मेरी छोटी बहन को तो वो भी शिवरी से उसको भी लेना है तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी है लेकिन मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है और कोहरा तो कितना ज़्यादा है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह सुबह का टाइम है गाइस और सर्दियों के मौसम कितना भी पहन लें लेकिन सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा लगती है अभी मैंने बहुत कुछ पहन रखा है उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और ऐसी धीरे धीरे से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है पता नहीं कहाँ से लगता है गाइस और हम जब आ रहे थे ना मुरैना से तब भी हमें बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और गाड़ी हमारी पूरी पैक थी उसके बावजूद भी हमें बहुत सर्दी लग रही थी लेकिन यहाँ पर देखिए कितना प्यारा व्यू है और कितना खूबसूरत नज़ारा है सरसों के खेत हैं और यहाँ पर बन रही हैं ईंटें वो हैं और बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का तो देखिए आप लोग भी हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी इंजॉय करिए तो गाइज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक महीने में फिर से दोबारा से मेरा आना हो गया है गाइज ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी मैं आई थी रहने के लिए और अब वापस से फिर से मैं रहने आ गई हूँ तो हो ही जाता है एक इतफाक़ है गाइज़ और मेरा लक साथ दे रहा है ना अभी इसलिए एक इतफाक़ हो गया है मेरे साथ तो फ़िलहाल देखिए कितना प्यारा व्यू है तो गाइज़ यहाँ पर आपसे बात करते करते सफ़र हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला है और हम लोग एंटर हो चुके हैं शिवपुरी तो बस गाइज शिवपुरी आ चुका है और यहाँ से मुझे मेरी छोटी बहन को भी लेना है तो आ चुकी है वो स्टेशन पे पहुँच गई है और उसका फ़ोन कॉल कॉल आ रहा था मेरे पास बार बार कि बाजी कहाँ आ गई हो अब कहाँ पहुँची हो मैं आ चुकी हूँ तो मैंने कहा हाँ बस थोड़ी ही देर में स्टेशन आने वाला है हम लोग भी शिवपुरी पहुँच चुके हैं तो देखिए यहाँ पर आ, मेरी छोटी बहन भी आ रही है अनवर भाई के साथ में आ, ये मुझसे छोटी है फरजाना तो वो भी आ चुकी है तो गई बस गाइज़ ये अभी बच्चों ने इनको ले लिया है कि ख़ाला हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर आपसे फिर से बात करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं गुना तो गाइज़ मैं आई हूँ गुना और यहाँ पर गुना से गुना में हमारी एंट्री हो रही है तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टेशन पर उतरेंगे और फिर पहुँचेंगे कहाँ वो आपको अभी पता चलेगा तो गाइज़ फ़िलहाल तो अभी गुना आ गए हैं और बाजी के भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं मुमानी के भी आ रहे हैं ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि कहाँ आ गए हो कहाँ आ गए हो बस इस तरह से सभी के आते हैं गाइस जब कोई आता है तो सभी के फ़ोन आते हैं कि हाँ भाई अब कहाँ आ गई कहाँ आ गई बेटियाँ और बेटियों की फ़िक्र तो सबको होती है गाइस और मायके वाले होते ही ऐसे हैं और यहाँ पर अभी हम लोग सब उतर चुके हैं अपना सारा लगेज़ भी उतार लिया है और यहाँ पर मैं और मेरी बहन उसकी बच्चियाँ हम लोग खड़े हैं तो बस अभी डिसाइड कर रहे थे हम लोग किधर की साइड जाना है बच्चे थोड़ा सा क्या उतरने के बाद ना थोड़ा सा चकरा से जाते हैं तो बस वही तो यहाँ पर अभी आ चुका है मुझे दूल्हा भाई का फ़ोन और कह रहे हैं कि किस तरफ खड़े हो मैं आ गया हूँ तो हम यही कह रहे थे कि आप क्यों परेशान हुए हो हम लोग आ जाएंगे लेकिन नहीं मानते हैं बड़े हैं बड़े लोगों का यही होता है कि नहीं भाई पहले तो मैंने सरप्राइज़ दिया था उन्हें पता ही नहीं था गैस इसलिए वो नहीं आए थे लेकिन यहाँ पर अभी सबको पता है कि मैं आ रही हूँ तो वो पहले से ही यहाँ पर आप पहुँच गए थे आ, रिहान और दूल्हा भाई आ चुके हैं तो बस अभी यहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे और उसके बाद बाजी के घर पहुँचेंगे तो फिलहाल अभी ये देखिए दूल्हा भाई आ चुके हैं और सारा सामान झट से उठाने लग गए हैं और हमारे दूल्हा भाई लाखों में एक हैं गाइज जितनी तारीफ करूँ ना मैं अपने दूल्हा भाई की उतनी कम है मेरे बाजी और दूल्हा भाई कभी भी माँ बाप की कमी इन दोनों ने महसूस नहीं होने दी है बहुत हम लोग छोटे थे तब से हम लोगों का सपोर्ट करते हैं और तब से ही और बिल्कुल बच्चों की तरह लाड़ और दुलार करते हैं हमको मेरे बाजी दूल्हा भाई तो यहाँ का स्टेशन है और ऑटो भी दूल्हा भाई ने ले लिया है तो बस वो सारा जो हमारा लगेज है ना वो ऑटो में शिफ्ट कर रहे हैं तब तक हमने बना लिया है यहाँ का पूरा वीडियो जो कि अच्छा लग रहा था देखने में अभी यहाँ की पेंट हुआ है ना तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में तो वही और ये पुरानी चीज़ें होती हैं गाइज़ तो कितनी भी बार देखूँ ना तो अच्छी लगती हैं तो वही है तो फिलहाल आपसे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पहुँचते हैं यहाँ से बाजी के घर पर और फिर आपसे मिलते हैं तो बस यहाँ पर ये भाई सारा सामान को सेट कर रहे हैं देखिए हमारा रेहान भी आ गया है लंबू पतलू न जाने कितने नामों से मैं इसे बुलाती हूँ बहुत प्यारा बच्चा है और बाजी के दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं रेहान और साकिर तो बस यहाँ पर अभी हमारा सामान भी रख गया है और हम लोग यहाँ से बैठने के बाद रवाना हो चुके हैं तो यहाँ पर फरान और रेहान दूल्हा भाई के सॉरी बाजी का रेहान और फरान ये दूल्हा भाई के साथ आएंगे और मेरे बेटे का नाम भी रेहान है और बाजी के बेटे का भी रेहान है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है तो बस गए ये देखिए हमारे दूल्हा भाई खुशी खुशी अपनी साली को लेने आते हैं बहुत खुश होते हैं हम लोगों के आने का जब सुनते हैं ना रात से ही फ़ोन आ रहे हैं कब बैठोगे कब निकलोगे क्या बना लूँ क्या बनवा लूँ बस इस तरह से तो बस गाइज पहुंच चुके हैं और दूल्हा भाई कह ही रहे थे ऑटो वाले भैया से कि बस यहीं पर रोक लो तो बस देखिए दूल्हा भाई सामान सारा हमारा उतार रहे हैं और हम लोग भी उतर रहे हैं यहाँ से तो बस अभी अंदर जाएंगे ऊपर और गाइज़ बाजी हैं ऊपर क्योंकि मैं जब पिछली बार आई थी ना तो बाजी के घर में होना था पेंट बाजी कह रही थी पैंट कराऊँगी मैंने तो कहा पेंट कराने के बाद ना बाजी आप ऊपर ही शिफ्ट हो जाना तो बाजी ऊपर शिफ्ट हो गई हैं अभी तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ गुना बाजी के घर पर और बाजी के घर में क्यों आई हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी वीडियो में बने रहे और गुना मैं इसलिए आई हूँ तो गुना में इसलिए आई हूँ गाइज क्योंकि मेरे मामू के बेटे की है शादी मेरे भाई की तो उसकी शादी में मैं आई हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं जरूर से देखिएगा फिलहाल अभी मैं बाजी के आ चुकी हूँ रिलैक्स हो लिए हैं हल्का फुल्का नाश्ता भी हमने कर लिया है लेकिन मुमानी के बार बार बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं और वो बहुत नाराज भी हो रही थी कि तुम लोग बाजी क्या क्यों चली गई हो यहाँ क्यों नहीं आई हो आप जल्दी से यहाँ आ जाओ मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा और आयशा ने नाश्ता वगैरह सारा कुछ रेडी करके रखा है आओ फटाफट से तो बस गाइज अभी मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग रेडी हो चुके हैं और बाजी बना रही है खाना आ, बाजी ने भी <laughs> मंगा लिया था नॉनवेज तो वो भी बना रही है लेकिन मैंने मना किया था कि बाजी मत बनाओ लेकिन बहने गाइस नहीं मानती हैं और लगता है कि भाई छोटी बहनें आ रही हैं तो उनकी तैयारियां कर लें तो बाजी ने भी बहुत कुछ हमारे लिए करके रखा है तो बाजी से कह दिया है कोई नहीं बाजी तुम्हारा हम लोग शाम में खा लेंगे अभी मुमानी के यहाँ चले जाते हैं जिससे मुमानी की नाराजगी दूर हो जाएगी तो यहाँ से अभी मैं निकलने वाली हूँ मोमानी के घर के लिए तो बस चलिए चलते हैं मोमानी के घर पर और इंजॉय करिएगा आप लोग मुमानी के घर की शादी और जो भी प्रोग्राम होंगे जो भी फंक्शन होंगे वो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी तो चलिए गाइज अभी फिलहाल यहाँ पर मैं रेडी हूँ और ये है मेरा लुक आज मैंने अपने हिजाब को ना चेंज कर लिया है ये वाले दुपट्टे को आज ये वाला मैंने बांधा है ये फर्स्ट टाइम बांधा है और ये कलर बहुत ही करीम बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला कलर तो ये मैंने पहना है तो चलिए गाइज अभी फिलहाल बातें बहुत सारी हो चुकी है तो चलिए अभी तो गाइज़ यहाँ पर हम दोनों बहने हो चुके हैं रेडी और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और मैं बाजी को भी कह रही थी बाजी चलो मोमानी ने बुलाया है तो बाजी कहने लग गई कि मैं काम से सारे कामों से मैं फ़्री हो जाती हूँ तुम लोग हो आओ आ फिर चलेंगे शाम में दो इकट्ठा होकर लेकिन अभी तुम लोग चले जाओ तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं और बाजी नहीं आ रही हैं हमारे साथ तो फ़िलहाल अभी हम ही दोनों जाएंगे तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मोमानी का रिएक्शन कि कैसा होता है और मोमानी तो खैर वैसे थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी कि तुम लोग सीधे यहीं क्यों नहीं आए हो तो मैंने बोल दिया था कि दूल्हा भाई हमें लेने आ गए थे इसलिए हम लोग अनाबाजी के घर चले गए हैं तो कोई नहीं चलता है ये सब तो ये है मोमानी के घर का बाहर का और डेकोरेशन भी हो गया है बाहर लाइटिंग वगैरह जो है ना वो लग गई हैं तो चलिए फ़िलहाल अभी अंदर एंटर होते हैं और ये देखिए झट से अपनी बेटियों को गले लगा लिया मोमानी ने और ममानी तो हमारी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ बहुत ही ज़्यादा और जितनी भी आ, जो भी कुछ थोड़ी बहुत मुझमें अच्छाइयाँ हैं ना वो मेरी इन्हीं मुमानी की वजह से हैं क्योंकि मेरा ज़्यादातर बचपन मुमानी के साथ गुजरा है और मैं नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा आया करती थी और यहाँ पर जैसे मैं पिछली बार आई थी ना मैंने बताया था कि मुमानी के घर आई हैं अल्लाह की, है, अल्ला की रहमतें तो ये हैं अल्लाह की रहमतें मुमानी की पोती माशाला बहुत क्यूट है और मैंने आते ही नकब भी नहीं उतारा है और झट से गोद में ले लिया है बहुत प्यारी बच्ची है और देखिए ओमानी ने आते ही पहले लगाया है नाश्ता और अभी लगा ही रही हैं यहाँ पर तो बच्चों ने यहाँ पर अपना थोड़ा सा मेरा वीडियो बना लिया है अभी ओमानी ने सारा कुछ नहीं लगाया है निकाल तो गाइज़ नाश्ता तो हो चुका है लेकिन मुमानी है ना कि हम लोगों को हर वक्त मतलब जब भी हम आते हैं ना तभी अपना सारा सामान खोल कर बैठ जाती हैं देखो मैं ये लेकर आई हूँ देखो मैं ये लेकर आई हूँ तो अभी फिर से मुमानी अपना सारा सामान निकाल कर बैठ गई हैं तो मुमानी ने अपने लिए कुछ आ, आ, गोल्ड के ज्वेलरी बनवाई है वो दिखा रही हैं और अभी सारा कुछ दिखाने वाली है मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी और देखिए प्यारी सी बच्ची सो गई है तो फ़िलहाल गाइज़ ये वाला सामान जो मुमानी मुझे दिखा रही है ना ये तो आ, उनके बेटे की ससुराल से आया है अख्तर की ससुराल वालों ने लेकर आए थे वो जो लग गाँठे आती हैं ना हल्दी की तो उसमें आए थे वो लोग वो लेकर आए थे तब ये सारा कुछ लेकर आए थे और और भी बहुत कुछ है गाइज़ जो मुमानी से मैंने मना कर दिया था निकालने से मत निकालो मुमानी परेशान मत हो और यहाँ पर मुमानी दिखाने लग गई हैं चढ़ावा तो ये वाला जो चूड़ा है ना गाइज़ ये है आ, एडी का और यहाँ पर ये यह सारी चूड़ियों के सेट जो उन्होंने बनवा के रखे हैं सारे सूट से मैच करके वो हैं क्लच है आ, तो बस ये सारा कुछ है ये निकाह के जोड़े के साथ के लिए हैं और ये चूड़ा है पंजाबी चूड़ा तो मैं कह रही थी मुमानी तुमने भी दो ले लिए हैं और एक मैं भी लेकर आई हूँ तो मोमानी कहने लगी मुझे नहीं पता था चलो कोई नहीं हो जाएंगे उसके पास और पहन लेगी और ये सारा कुछ मेकअप का सामान है सारा कुछ जो उस टाइम पर मैं आई थी ना पिछली बार जब ये कुछ नहीं था तो जो अभी लेकर आई है मोमानी वो वापस से फिर से दिखा रही है और चप्पल भी उस टाइम पर पाँच जोड़ लेकर आई थी मोमानी और पाँच जोड़ और लेकर आई हैं सॉरी छो छः जोड़ और लेकर आई हैं तो वो भी हमें मोमानी दिखा रही हैं तो कह रही थी कि मैं 11 चप्पल के सेट रखने वाली हूँ सैंडल्स 11 रखने वाली हूँ तो मैं कहने लगी थी मोमानी इतने ज़्यादा क्यों तो कहने लगी कि यही टाइम होता है लड़कियों के पहनने का तो मैं इकट्ठे ले आई हूँ खूब पहनेंगी और आ, मतलब ये इस तरीके से उन्होंने ले लिए हैं तो ये सारे सैंडल्स वग़ैरह रखे हुए हैं सारा सामान जो मुमानी हमें दिखा रही हैं और और भी कुछ फैला रही थी तो मैंने मना कर दिया मुमानी मत निकालो जब जाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे तो हम ही लोग तो ना तभी देख लेंगे मुमानी मत हो परेशान तो इस तरह से मैंने उन्हें मना कर दिया था रोक दिया था तो कहने लग गई कि ना चल ठीक है अब ऐसे बोल रही हो तो और ये देखिए माशाल्लाह और ये बच्ची जा रही है अपनी नानी के घर आ, कुछ काम है आयशा को तो वो जा रही हैं तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा उम्मीद करती हूं अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चलती हूँ अल्लाह हाफिज बाय बाय टेक केयर